अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, फिर अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ घटना हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग। जैसे यूनिवर्सल, जो बिल्कुल सच हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब किया जाता है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये सारी चीजों यूनिवर्सल ट्रुथ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, ठीक है। जैसे हर इंसान एक दिन मरेगा, अब आपने देखा गा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्यूचर में बनेगा, नहीं, मरता है, क्योंकि हर इंसान एक दिन मरता है। हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, खुदा की सच्चाई है, तो ये चीज किस में बनाई जाएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दो और दो चार होगा, किसने देखा गा है, अच्छा फ्यूचर लगा दो, नहीं, आपको क्या सोचना है, फ्यूचर नहीं जाएगा, क्योंकि दो और दो चार होता है, मतलब ताते दी लग रहा है एक्चुअल में। इसके अंदर हम समझते इसको गा समझ रहे हैं, तो इसीलिए इसके अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में से बनाते हैं। फिर जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होगी, तो सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट की बात हो जाएगी, इसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, एवरी वन डाइज, क्या लगा, V5, अ डे, ठीक है। अगला देखिए, टू एंड टू मेक फोर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसके अंदर सोचते हैं, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग को परेशान नहीं होना कि बहुत लंबी वीडियो बने, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको एक चीज नोट करनी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे वो देखिए, कमेंटेटर की बात। आपने जानते हैं कि जो कमेंट्री कर रहा होता है, कोई एंकर है, टीवी है, रेडियो पे या किसी न्यूज़पेपर में, तो ये लोग जो होते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी जो कोई घटना होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, चाहे वो थोड़ी देर पहले उसके आंखों के सामने कोई चीज घटी है, तो वो आपको जो बताएगा वो किस चीज में बताएगा, जैसे मैच कमेंट्री चल रही होती है, तो मैच जब हो रहा होता है तो वो भी आपको किस चीज में बताने की कोशिश करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो गुजरती हुई घटना को आपको ताजा बना करके दिखाता है कि देखिए मेरे सामने ये घटना गुजर रही है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कमेंटेटर ने बनाया, अफरीदी ने बॉल फेंका, सचिन ने बल्ला घुमाया, 100 रन बने और भारत मैच जीत गया। तो अफरीदी थ्रोज, अफरीदी नाम है, V5 लग जाएगा, थ्रोज बॉल, सचिन स्ट्राइक्स, V5 लग जाएगा क्योंकि सचिन नाम है, और सेंचुरी स्कोर, सेंचुरी बना एंड इंडिया विंस द मैच, ठीक है। इंडिया का हुआ, इंडिया भी नाम है, इसका मतलब क्या होगा, V5 लेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैच जीत गया। इस तरीके से जो भी न्यूज़पेपर है, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे कभी, तो उसमें भी देखेंगे कि होती तो कल की न्यूज़ है, लेकिन उसको आपको आज, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से बनाकर दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप कभी भी न्यूज़पेपर में इस बात को गौर करेंगे कि वो तातीत के हिसाब से, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब भी जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो तो आपको दिमाग में क्या रखना है, तो आपको सिर्फ ये बात, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से बनाना है हमें, इसी फॉर्मूले के बेस पे। कौन कौन सी चीज सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है, ये हम लोग एक्चुअल में अभी डिस्कस कर रहे हैं उतनी देर से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब कुछ हम लोग ट्रिकी वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ट्रिकी ट्रिकी, जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, लोग बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि चलो ये ना इसकी इंग्लिश हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे वह घर मंदिर लगता है, अब बच्चे सोचने लग जाते हैं कि इस लगता की इंग्लिश क्या होगी। एक्चुअल में इस लगने का मतलब क्या होता है, मालूम पड़ना। इस लगने का मतलब क्या होता है, मालूम पड़ना, मतलब ये घर मंदिर मालूम पड़ता है, वह ईमानदार लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, वह ईमानदार मालूम पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ये मालूम पड़ना जो होता है, इसकी इंग्लिश होती है, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं SWM सीम, क्या बोलते हैं, SWM सीम। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग लगता है इंग्लिश नहीं बनाएंगे, बल्कि मालूम पड़ना, मतलब वह ईमानदार मालूम पड़ता है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। इसको मैंने लिख दिया है इस टाइप के सेंटेंस में, लगता है कि मीनिंग मालूम पड़ता होती है, और मालूम पड़ना की इंग्लिश सीम होती है, तो यहाँ ऐसे सेंटेंस में सीम यूज किया जाएगा, ऐसी ही आपको नोटिंग करनी, इस तरीके से हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश भी हम लोग, अब ये भी क्या है, इसे भी लगता है, तातिती लगा है, मतलब अभी प्रेजेंट की बात है, आंखों देखी हाल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की जैसे ही बात आएगी, तो कौन सी बात आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पे सोचेंगे हम लोग। इसका मतलब देखिए, दैट बिल्डिंग सीम्स, क्यों, बिल्डिंग है, कोई खास नाम है, इसके साथ V5 लगा जाएगा, और टेम्पर, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट, ये हो गया V5, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे वह ईमानदार लगता है, इसका मतलब क्या है, वह, हमने देखा वह ईमानदार लगता है, काम क्या है, मालूम पड़ना, मालूम पड़ना की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पे हम लोग सीम बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ही है, ही का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन, हमने क्या पढ़ा था, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, वी का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, काम क्या है, मालूम पड़ना, तो ही सीम्स ऑनेस्ट, मतलब क्या, सब्जेक्ट
V5 और ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये V5 और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देख रहे हैं इसी बेस पे बन रहा है, he seems honest, आप क्या बोलेंगे, वह ईमानदार लगता है, he seems honest। कुछ लोग इसमें like to लगाते हैं, ठीक है, तो आप like to वाली चीजों पे नहीं जाएंगे, एक्चुअल में इसका ग्रामर ये होता है, आप खुद भी सोच सकते हैं ना, तो आप सोचिएगा एक बार, क्योंकि आप देखिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेनिफिशियल इन सेंटर, इस पे पढ़ रहे हैं इस चैनल पे, तो आपको एक यूनिक बनना है, ठीक है, ये नहीं कि आप एक नॉर्मल से इंसान बन जाएंगे, चाहे आप ग्रुप में हो चाहे आप ऐसे हो, आपको चीजों समझानी है, आपको दलीलें पेश करनी, ठीक है, कि हमने ये चीज क्यों होती है ये भी आपको बताना है, समझ रहे हैं ना, कि कोई चीज अगर क्यों है तो इसकी भी चीजें आपको पेश करनी है, कि देखो समझाओ उनको, आपको सोचवाने की कोशिश करनी, समझ रहे हैं ना, यूं ही आपको नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बनना है, उसको बताना है कि वो अगर मंदिर लगता है इसका मतलब मालूम पड़ना है, लाइक टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि मालूम पड़ना इंग्लिश होती है, लगता है मतलब यहाँ पे होगा सेंस निकलता है, मालूम पड़ना इसका मतलब मालूम पड़ना की इंग्लिश क्या होती है सीम, हम लोग यहाँ पे सीम लगाएंगे ना कि लाइक टू लगाएंगे, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इस तरीके से एक चीज और है जो मालूम पड़ना में पहले आपको पढ़ा देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, जैसे लगता वाली एक और बात आती है, जैसे वो खेलने लगता है, तुम आम खाने लगते हो, अब यहाँ पे भी देखिए लगता है लगती वाली बात हो रही है, एक्चुअल में वो खेलने लगता है, इसका सेंस क्या बनेगा, वह खेलना शुरू करता है, वो खेलने लगता है, इसका मतलब वो खेलना शुरू करता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो खेलना शुरू करता है, तो देखिए इसको मैंने लिख दिया, इसमें लगता है कि मीनिंग निकलती है शुरू करना, क्या निकलती है शुरू करना, ठीक है, जिसकी इंग्लिश होती है बिगिन, बिगिन मतलब होता है बिगिनिंग, बिगिनर बोलते हैं ना किसी को हम लोग, बिगिन होती है, और इसमें टू का यूज किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए सब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे फिर बिगिन या बिगिन, अब वही बात V1 या V5, यहाँ पे वर्ब क्या होगा, लगना शुरू करना, शुरू की इंग्लिश, करने की इंग्लिश क्या होती है बिगिन, तो अब इसी के हिसाब से सोचेंगे बिगिन लगेगा या बिगिंस लगेगा, और फिर इसके अंदर हम लोग स्पेशली टू जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, फिर हम लोग अलग से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, जो एक काम जो उसके अंदर, जैसे खेलना, यहाँ पे काम क्या है, वह खेलने लगता है, तो यहाँ पे दो वर्ब आ जाते हैं एक्चुअल, ठीक है, तो एक वर्ब जो होगा जो मेन वर्ब हो जाएगा उसके अंदर, वो लगता है कि जो बात होगी वो होगा इसके अंदर मेन वर्ब, जैसे ही बिगिंस टू प्ले, यहाँ पे काम क्या है खेलना, ये भी वर्ब हो गया, तो इस वर्ब को दूसरे वाले जो वर्ब आएंगे उसमें हम लोग V1 लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग V5 या V1 लगाएंगे सब्जेक्ट के बेस पे, क्योंकि यहाँ वह है तो वह का मतलब क्या होगा थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखिए, जैसे थर्ड पर्सन और तातिति की बात आ रही है तो हम सोचेंगे, सोच के हम लोग हिसाब से बना देंगे, इसका मतलब क्या बनेगा, ही बिगिंस टू प्ले, इसमें हम लोग टू लगाएंगे जब भी दो वर्ब की बात आती है तो, और पहले वर्ब में V1 या V5 लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, दूसरे वर्ब को हम लोग हमेशा V1 बनाएंगे, ये वाली हमेशा V1 की बात होगी, आपको ध्यान रखना है। अगले देखिए यू, यू क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तुम आम खाने लगते हो, यू बिगिन टू, V1 लगा दिया हमने, टू लगाएंगे ईट, यहाँ पे खाना क्या था ईट, ये भी वर्ब है, ठीक है, तो इसको हम लोग V1 लगाएंगे, ये हमेशा V1 है, ये ऑलवेज, ये आपको याद रखना है कि ये हमेशा V1 लगेगा, नहीं है तो आप लोग लिख लीजिए इस बात को, ठीक है, और फिर हम लोग मैंगो जो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो लगाए, ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग सोचते हैं जब लगता वाली बात आती है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक टू जो जो भी इस तरीके की चीजें सोचते हैं, आपको इस तरीके से सोच के बताना है। चलिए अब चलिए हम लोग ये जानते हैं इसके अंदर कि कैसे सोचते हैं, एक सेकेंड, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब हम लोग इस तरीके के सेंटेंसेस और पढ़ेंगे, जैसे ये कुछ ट्रिकी है एक्चुअली, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता ये चीजें, और आप हम मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे स्टूडेंट हो वो बिल्कुल यूनिक हो हर मामले में, चाहे वो ग्रुप के अंदर हो या चाहे दलील देने के मामले में हो या किसी भी मामले में हो, बिल्कुल यूनिक होने चाहिए, समझ में, अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। देखिए अब ये बात रहता है, जैसे वह पत्र लिखता रहता है, वह खेलते रहता है, इस तरीके की बात हो, तुम खेलते रहते हो, इस तरीके की बात हो, इसका मतलब देखिए, इस रहता है का मतलब यहाँ पे रहता का इंग्लिश नहीं बनेगा, एक्चुअल में इसका मतलब होता है जारी रखना, मतलब ये कि वो खेलना जारी रखता है, ठीक है, इसको हम लोग किस मीनिंग से बनाएंगे, जारी रखना, इसकी अब देखिए मैंने लिख दिया, इसकी मीनिंग निकलती है जारी रखना, तो इसके लिए इसकी इंग्लिश बनाई जाती है कीप ऑन या गो ऑन, ठीक है, लगाया जाता है, इसमें प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए इसमें आने वाले काम को ऑन के बाद रखा जाता है, इसीलिए ऑन के बाद आईएनजी लगाई जाती है, इस प्रक्रिया को जिरंड कहा जाता है,
जैसे देखिए एक्चुअल में इसको जो हम लोग बनाते हैं ना, वो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। अब इसमें भी सेम बात होगी, जैसे जो दूसरा वर्ब आएगा, अब ये देखिए ये पहला वर्ब है, ये पहला वर्ब है और ये दूसरा वर्ब है। जो दूसरा वर्ब होगा उसको हम लोग वर्ब V1 प्लस ING लगा करके बनाते हैं इस तरीके के सेंटेंस, क्योंकि इस टाइप का जो सेंटेंस होता है एक्चुअली में कंटिन्यूअस टाइप होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं, उसके बाद या लेटर ऑब्जेक्ट की बात होती है। मतलब ये कि आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर V1 या V5 लगाना है, ठीक है, उसके बाद आपको वर्ब V4 लगाना है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ING लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, ही कीप्स ऑन। अब यहाँ किप्स क्यों लगा, क्योंकि ही है, ही क्या है, थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं V5, तो V5 लगा दिया। उसके बाद ऑन लगा करके हम लोग क्या लगाएंगे, राइटिंग अ लेटर, मतलब हम लोग क्या लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस तरीके की जब बात होती है सब्जेक्ट P1 या V5 प्लस ऑन लगाएंगे प्लस हम लोग V1 फिर प्लस ING जो उसके अंदर काम होगा उस हिसाब से फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे काम क्या था, पत्र लिखना, मतलब क्या है लिखना, मेन काम तो लिखना है लेकिन इस काम को हम लोग तरजीह देंगे, मतलब इस काम को हम लोग पहले बनाएंगे, ठीक है, जारी रखना, ठीक है। तो इसीलिए आगे चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट प्लस यूनिफाई प्लस सब्जेक्ट इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको बनाएंगे। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ शायद यहाँ लिखना भूल चुका हूँ, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इस हिसाब से ये चीज़ बनाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब बात